सियासत है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। कभी दल तो मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिल पाते हैं, और कभी दल अलग अलग रहते हैं लेकिन दिल एक हो जाते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये रिपोर्ट 1.133 चुनाव उम्मीदवारों और 500 सांसदों और विधायकों के साथ शपथ पत्रों के आधार पर बनाई गई थी। ये वो नेता थे जिन्होंने 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान दल बदल कर चुनाव लड़ा था। इसके मुताबिक 2014 के बाद से कांग्रेस के नेताओं ने सबसे ज्यादा दल बदल किया है। इसका फायदा नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा को सबसे ज्यादा हुआ है। उस वक्त की रिपोर्ट में कहा गया कि कुल दल बदल में से लगभग 35% विधायक और सांसद 2014 और 21 के बीच कांग्रेस से अलग हो गए। रिपोर्ट में कहा गया था कि दल बदल करने वाले लगभग 35% विधायक भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के 20% चुनावी उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 और 21 के बीच कांग्रेस पार्टी से कुल 399 नेताओं ने दल बदल किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कई छोटे मोटे नेताओं के अलावा कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि 2019 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो कांग्रेस की स्थिति और बिगड़ गई। एक एक करके कई दिग्गज और उभरते चेहरों ने पार्टी छोड़ दी। इसमें कई नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस उनके राज्य में जानी जाती थी। कांग्रेस से विधायक रहे अल्पेश ठाकुर ने जुलाई 2019 में राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राधापुर से उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि साल 2022 में हुए चुनाव में उन्होंने गांधीनगर दक्षिण से जीत हासिल की। दिग्गज कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उस दौरान मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक कई विधायकों ने पाला बदला, जिसमें कमलनाथ सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल सिंधिया मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते थे। उन्होंने जून 2021 में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद वो भी भाजपा में शामिल हो गए। उस दौरान वो यूपी कांग्रेस के शीर्ष ब्राह्मण चेहरे थे। वो अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। अगस्त 2021 में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सितंबर 2021 में टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और 2023 तक वो सांसद के उच्च सदन के सदस्य रहे। वर्तमान में वो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुष्मिता को टीएमसी ने फिर से राज्यसभा में भेज दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी का साथ छोड़ा था। हाल ही में भाजपा ने उन्हें यूपी से राज्यसभा भेज दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अश्विनी कुमार यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस के लिए काम करने के बाद इनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने मई 2022 में पार्टी छोड़ दी। जाखड़ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना करने के बाद नेतृत्व द्वारा कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद ये कदम उठाया था। बाद में जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें पंजाब इकाई का प्रमुख बना दिया। वहीं गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मई 2022 में कांग्रेस छोड़ दी। राहुल गांधी हार्दिक को 2019 में पार्टी में लेकर आए थे। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता अपने फोन में ही व्यस्त रहते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी पार्टी छोड़ने वालों की सूची में शामिल हैं। सिब्बल ने मई 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बाद में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर राज्यसभा पहुंचे।
चुनावी साल 2024 भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर लेकर आया है। 14 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस से आने वाले मिलिंद देवड़ा को शिवसेना ने राज्यसभा भेज दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस को दूसरा झटका तब लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। 12 फरवरी 2024 को उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन यानी 13 फरवरी को चव्हाण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। उधर 14 फरवरी को ही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिया। ये सिलसिला यही नहीं रुका, आगे बढ़ता चला गया। जब इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो डर गए वो भाजपा के घर गए। कांग्रेस पार्टी में पलायन का मुद्दा बड़ा गंभीर रहा है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को इसकी चिंता कभी नहीं रही, बल्कि जो छोड़कर जाने वाले नेताओं के ऊपर पार्टी के द्वारा किए गए एहसानों को गिनवाने में व्यस्त हैं।